11 क्लास 11 मैथमेटिक्स में आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। इसमें पहला टॉपिक है समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो आप देख लीजिए समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। परिभाषा दी हुई है यहाँ पे, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी ए प्लस आई बी रूप वाली संख्या समिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं, और ये जो रूप होगा ये क्या क्या कहलाएगा, समिश्र संख्या का रूप कहलाता है। ये जो आई है, आई क्या होता है, आई का जो हम देखें तो आई एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस अगर आ जाता है तो वो इमेजिनरी सेक्शन होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता। तो इन एनी केस अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन आ रहा है तो उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो इसलिए अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वन, इसलिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के, समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं सब। अब ये होता है कि समिश्र संख्याओं को जोड़ते कैसे, देखिए वो जोड़ना सिखाया गया है समिश्र संख्याओं को। दो समिश्र संख्याएं ए वन प्लस आई बी वन, ए टू प्लस आई बी टू, जेड वन जेड टू से रिप्रेजेंट किया गया समिश्र संख्याओं को, उनको जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ा गया, जोड़ने में एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से जोड़ता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से जोड़ता है। रियल पार्ट क्या होता है, जो बिना आई के लिखा होता है वो रियल पार्ट है। यहाँ पे ए वन रियल पार्ट है और बी वन आई बी वन क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आई से मिला हुआ है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी आप जोड़ेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। इसी तरीके से सबट्रैक्ट करने में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि आप रियल पार्ट से रियल पार्ट को घटाएं, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को घटाएं। यहाँ पे सबट्रैक्शन सिखाया गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया गया दो नंबर का, दो नंबरों का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई में क्या है, ए वन की ए टू से मल्टीप्लाई, फिर बी वन की बी टू से करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, बी वन बी टू, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, माइनस। देखिए यहाँ पर साइन आ रहा है माइनस, क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस। और ए वन की यहाँ पर जब आप बी टू से करेंगे तो ए वन बी टू आ जाएगा आई के साथ, और बी वन की जब ए टू से करेंगे तो ए टू बी वन आ जाएगा आई के साथ, और आई यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा। तो ये होता है इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका। यहाँ पे दो नंबर हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया गया, इसी फॉर्मूले से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आई ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन, तो आपको आखिर में सॉल्व करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। संयुग्मित समिश्र संख्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, और इसको जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर एक बार साइन लगा देते हैं, तो इसे बोलते हैं जेड बार, या जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड बोलते हैं इसे, जेड का संयुग्मित भी हिंदी में बोलेंगे, ए माइनस आई बी आ जाएगा। यानी आई जहाँ पर भी आ रहा हो उस आई को आप माइनस आई कर दीजिए, और अगर माइनस आई है तो प्लस आई कर दीजिए, बस आपको उसका कॉन्जुगेट नंबर मिल जाएगा। तो कुछ कॉन्जुगेट्स नंबर्स की यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई गई हैं, ये आप अपने पास नोट रखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। तो जो पहला वाला सेक्शन है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप ए प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, आप इसके जो नीचे वाला सेक्शन है जो डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए करा हुआ है, वन प्लस रूट टू आई, और वन प्लस रूट टू आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे देखिए आपको जो भी संख्या जो नंबर आएगा नीचे से आपका आई गायब हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे से इमेजिनरी नंबर गायब हो जाएगा, खाली रियल पार्ट बचेगा। अब उस रियल पार्ट को ऊपर वाले जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनके नीचे अलग अलग कर लीजिए, तो आपको ए प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। अब होता है सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है आई की पावर माइनस 35 को कैलकुलेट करना है। तो आई की पावर माइनस 35 है, इसको आप माइनस 35 है तो अपॉन में हो जाएगा, आई की पावर प्लस 35 हो जाएगा वन अपॉन। अब 35 को आप क्या करिए, आई का स्क्वायर इंटू 17 करिए, 17 × 34 होते हैं, तो 34 और आई की पावर एक सिंगल अलग, तो 34 और एक 35, तो आई की पावर जो 35 है उसको आपने ऐस करके लिख लिया है। अब इसमें क्या कीजिए, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन आपका यहाँ पे माइनस वन और ये आई के साथ लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आई, और ऊपर तो वन था ही। अब आप क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी गई है,
उससे क्या फ़ायदा होगा कि नीचे से माइनस जो आई है वो गायब हो जाएगा, ऊपर एक आई आ गया, आई इंटू वन क्या होगा, आई ऊपर आई आ गया, नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस का, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नीचे प्लस वन, तो नीचे प्लस वन यानी वन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल आपका क्या बचा आई, ये आपका बचा आई। अब आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो आई नहीं रहा है, तो रियल पार्ट क्या है जीरो, इसलिए जीरो प्लस आई करके इसको लिख दिया, तो ए प्लस आई बी की तरह लिखा है इसे, तो जीरो प्लस आई, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है जीरो और बी की वैल्यू कितनी है वन, क्योंकि आई के साथ लगा हुआ है वन मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई की होल पावर 100 को ए प्लस आई बी के रूप में इजिकल टू ए प्लस आई बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो वही करते हैं जो अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में जो नीचे डिनोमिनेटर है वन प्लस आई, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, उसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो आपको फाइनली मिलेगा माइनस टू आई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल होगा नीचे आएगा, ऊपर बचेगा माइनस आई की पावर 100। अब माइनस आई की पावर 100 है तो अब जो माइनस है, माइनस की पावर 100 है तो ऑब्वियसली बात है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी माइनस वन की पावर 100 होगी तो वो वन हो जाएगा, तो बचा अब आई, आई की पावर 100 है, अब आई की पावर 100 को आप लिख लीजिए आई टू द पावर 4 × 25, क्यों लिखेंगे आई की पावर 4, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू होती है वन, ये देखिए वन आ गया, और वन की पावर आप 25 भी करेंगे तो आपको मिलेगा क्या वन, तो वन इज इक्वल टू ए प्लस आई भी आ गया। अब इस संख्या में केवल और केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट कितना है वन, देखेंगे एक एक ए की वैल्यू कितनी है वन, देखिए ये रियल ए की वैल्यू कितनी है वन और बी की वैल्यू कितनी है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इस नंबर के अंदर, इसकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो ए कॉमा बी आ गया आपका 1, 0, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने समय संख्या का चैप्टर शुरू कर दिया, एक पार्ट हमें और बनाना होगा इस वीडियो के लिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।